Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Our topic is use of ismr. ismr ka use apna topic chal raha hai. Isme humne is ka aur am ka use karna sikha. Kis kis ke saath hum is ka use karte hain, kis ke saath hum am ka use karte hain. Aaj apna next topic hai are. Aaj hum dekhenge use of are. आर का यूज हम किस किस के साथ में करते हैं. जब हमारा कोई भी सेंटेंस यू से, दे से, वी से या किसी भी प्लूरल से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे आर का यूज करते हैं. कुछ एग्जांपल हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है यू से. यू डैश ए बॉय. हमें पता है यू से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां पे हम क्या राइट करते हैं, आर. तो सेंटेंस बन गया हमारा यू आर अ बॉय. नेक्स्ट सेंटेंस दे आर मेकिंग पेपर कार्ड्स. नेक्स्ट सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहां भी आर का यूज किया. नेक्स्ट यू से हो रहा है तो इसके साथ आर आएगा. यू आर माई नेबर. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वी से. वी से भी जो स्टार्ट होता है सेंटेंस उसके साथ भी हम आर का यूज करते हैं. तो वी आर क्लीनिंग अवर क्लासरूम. नेक्स्ट है प्लूरल. प्लूरल का एग्जाम्पल है द गर्ल्स आर ड्रॉइंग ए पिक्चर. तो हमने देखा यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके साथ हम आर का यूज करते हैं. ये हमने समझा. हमने कल के टॉपिक में समझा था इस का, एम का और आज हमने समझा है आर का. तो बेटा कुछ होमवर्क के लिए है जिसके अंदर आपको इस भी यूज करना है, एम भी करना है और आर का यूज भी करना है. ये आपको सोच के करना है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, होमवर्क है, वो आपको नोट करना है, उसको करना है. शी कल आपको बताया था इसका यूज, एम का यूज, तो उससे रिलेटेड ये है. सी के साथ क्या आएगा, शी डैश ए गर्ल. दे डैश वेटिंग फॉर द बस. आई के साथ किसका यूज होता है, आई डैश ए प्लेयर. वी डैश बॉयज. ही डैश लर्निंग हिज लेसन. आई डैश ए स्टूडेंट. और लास्ट है यू डैश द क्लास कैप्टन. ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करना. ओके okay?